हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ हेयर कट, लॉन्ग टू शॉर्ट, हिप से भी नीचे हेयर है और जितनी मेरी लेंथ है उतनी कट करूँगी, कितना कट किया है, क्या किया है, सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। कम से कम 15 से 16 इंच तक लेंथ कट की है इनकी और आपको मेरा ये हेयर कलर दिख रहा होगा। बैक से मैं पिक लगा देती हूँ, वो देख लीजिएगा। तो ये मैंने ब्लीच से किया है। बहुत सारे कस्टमरों को शिकायत थी कि मैम हमारा नहीं हो पाता है, फेक है, ऐसा वैसा, लेकिन बहुत अच्छे से कलर हो जाता है। इसमें पूरा अच्छे से समझाया हुआ है तो मैं वीडियो पोस्ट कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा कि ब्लीच से कैसे बाइक बालों को हाईलाइट करें, क्या प्रोसेस है, सही तरीका क्या है, सब कुछ बताया हुआ। तो प्लीज़ एंड तक वीडियो देख लीजिएगा। और आज का वीडियो है हेयर कट का, तो आज ये वाला देख लीजिए। ब्लीच का भी बहुत जल्दी पोस्ट कर दूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। और हेयर कलर वाला भी वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा समझने का दिक्कत है, मिस्टेक कर देते हैं, इस वजह से नहीं हो पाता है। लेकिन आज बहुत अच्छे से मतलब उसे समझा दिया है क्या करोगे तो कैसे कलर अच्छे से आ जाएगा। और आज का जो हेयर कट का वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थ्री स्टेप हेयर कट किया है, लॉन्ग टू शॉर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं। तो ये 15 से 16 इंच तक की हेयर लेंथ इनकी कट हुई है, जैसा कि आपको यहाँ मेरे हाथों में दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा नीचे से मतलब बहुत पतले हेयर हो गए थे तो बहुत ज़्यादा हेयर कट करना था इनका, तो ये इतने हेयर मतलब शॉर्ट जो स्टेप कट किए तो ये निकले और लेंथ उतनी निकली है जो कि मेरे हाथों में आप लोगों को दिख रहा है। तो ये देख सकते हैं आप इनका हेयर, देख रहे हैं कितना ज़्यादा पतला है। लॉन्ग तो बहुत ज़्यादा था लेकिन हिप से भी नीचे तक के हेयर लॉन्ग थे इनके, और लेकिन बहुत पतला था, झड़ के पूरा पतला हो गया था। आप देख सकते हैं कॉम कर रहे हैं। तो इनकी कटिंग करूँगी मैं 3 स्टेप हेयर कट। तो उसके लिए आपको पहले बालों को अच्छे से सुलझाना है। इनके बाल पहले से ही गीले थे तो मैंने इनको गीला नहीं किया है, बहुत ही मतलब बेजान से डल रफ हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तो कट करना है। तो कितना कट कर रही हूँ, कैसे कट कर रही हूँ, सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। और कटिंग होने के बाद इनके हेयर का लुक क्या है वो भी आपको देखने को मिलेगा वीडियो के एंड में। बहुत ही अच्छा कट मतलब ब्यूटीफुल लग रहा था कटिंग होने के बाद से। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इनकी ईयर टू ईयर पार्टिंग करनी है नीचे से, और पहले हम लोग इनका लेंथ ले लेंगे। थर्ड स्टेप, 3 स्टेप हेयर कट करने वाली हूँ मैं यहाँ पे। बहुत ही आसान और इजी तरीका बताती हूँ मैं अपने हेयर कट का। और अगर बहुत ज़्यादा लोग मेरे को कमेंट कर देते कि मैम ब्लीच से बालों को हाईलाइट कैसे करें, हमसे नहीं हो पा रहा है ये वगैरह वगैरह, तो मैं दोबारा फिर उसका वीडियो पोस्ट कर दूँगी कि किस तरीके से करोगे तो परफेक्टली हो जाएगा, तो अच्छे से समझा दूँगी। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये इस तरीके से आपको ईयर टू ईयर पार्टिंग कर लेनी है। आप मेरे बाल थोड़े थोड़े पीछे दिख रहे होंगे, अभी मैंने जस्ट कलर किया उसको और गोल्डन कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल कलर हो गया। ब्लीच से ही किया है तो कैसे किया वो सब आपको मैं वीडियो पोस्ट करूँगी तो देख लीजिएगा। तो ये 3 स्टेप कटिंग में पहले मैंने इस तरीके से ईयर टू ईयर पार्टिंग कर दी है, उसके बाद से हेयर को कॉम कर लेंगे और जितना लेंथ निकालना है उतना निकाल देंगे। ओके, आप ये देख सकते हैं मेरे भी हेयर उधर भी येलो कलर के दिख रहे हैं, वो मैंने ब्लीच से ही किया है तो आपको बता दूंगी परफेक्टली कैसे करोगे तो आपका भी कलर आ जाएगा ऐसे। तो ये अच्छे से कॉम कर लीजिए, एक भी टैंगल नहीं रहना चाहिए बालों में, और फिर कट कर देंगे। पहले हम लोग को जितनी लेंथ चाहिए उतना कट कर देंगे, लाइट यू कट कर देंगे, हल्का सा यू कट करेंगे यहाँ पे। ये देखिए इतना लेंथ मैं इनका निकाल दी हूँ, कम से कम 15 से 16 इंच तक का लेंथ निकालने वाली हूँ। ओके, हल्का सा यू कट में देंगे। ओके, तो ये हमारी लेंथ निकल गई है, काफ़ी लंबी लेंथ निकली थी। उसके बाद से हम लोग ऊपर का जहाँ से हम लोग ईयर टू ईयर पार्टिंग करेंगे, क्राउन एरिया को छोड़ेंगे और ऊपर वाला हेयर कट करना है जहाँ से हमको स्टेप स्टार्ट करनी है। तो कैसे करना है वो भी देख लीजिए। तो ये इनकी लेंथ हम लोग ने कर ली डिसाइड, इतनी लेंथ की हमको हेयर रखनी है इनकी। और अभी हम लोग फिर से ईयर टू ईयर पार्टिंग करेंगे, क्राउन एरिया के हेयर को नीचे छोड़ देंगे और ऊपर के हेयर्स में स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड स्टेप हमारा नीचे वाला है जो कि हमारा गाइडलाइन है, सॉरी लेंथ है, और ऊपर का हमारा कट करेंगे। तो इस तरीके से आपको
हेयर का ऊपर से पार्टिंग ले लेना है और ऊपर के हेयर को पूरा 90 डिग्री पे कॉम करके लेके जाएंगे स्ट्रेट। और जहाँ से आपको स्टेप स्टार्ट करनी है, जैसे 3 स्टेप में कट कर रहे हैं, तो पूरा ऊपर तक इस तरीके से कॉम करते हुए लेके जाएंगे। ओके, और आप अपना देख लीजिए कि कहाँ तक आपको, यहाँ से हमारा स्टेप स्टार्ट होगा तो वहाँ से हेयर को कट कर देंगे। अच्छे से पहले मैं कॉम कर ले रही हूँ। ओके, तो इतने हेयर कट करेंगे यहाँ पे हम इस तरीके से कट कर लेना है। आप देख सकते हो जैसे मैंने फिंगर में पकड़ा है उसी तरीके से आपको कट कर देना है। और ये देखिए, ओ माय गॉड, कितना ज़्यादा लेंथ निकला है इनका। ओके, तो अभी हमारा ऊपर का और नीचे का स्टेप आ गया है। देखिए कितना प्यारा स्टेप आया है। और जो बीच के हेयर बचे हैं उनके भी, उनमें भी पूरा स्टेप डालना है। देखिए कितना प्यारा सा स्टेप आया है। पूरा हेयर कट होने के बाद बहुत अच्छा लगेगा हेयर इनका, और बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि पतले और हल्के बाल हैं कटिंग करने के बाद से। तो बीच से बीच पार्टिंग कर देंगे हेयर की, और ऊपर तो इस तरीके से बीच पार्टिंग निकालने के बाद से फिर से आपको ऊपर की तरफ कॉम करके लेके जाना है 90 डिग्री पे कम से कम। और इस तरीके से पूरा कॉम करने के बाद से ऊपर का गाइडलाइन और नीचे का गाइडलाइन हमारा है, जो हमारी लेंथ थी और ऊपर का जो हमने स्टेप कट किया था वहाँ से, देखिए ऊपर का है और ये नीचे का, और बीच के हेयर को पूरा कट कर देना। आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा लंबे हेयर निकल रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपकी स्टेप आएगी, आपकी लेंथ जो हमने कट कर दिया उतनी ही रहेगी, उससे ज़्यादा छोटा नहीं होने वाला है। तो अब यहाँ पे जो बीच में हेयर जो बच रहे हैं उनको पूरा कट कर लेंगे। बहुत ही प्यारा स्टेप आएगा, 3 स्टेप कट करने का सबसे आसान और सही तरीका। बहुत ही अच्छे से स्टेप दिखते हैं इसमें, आप देख सकते हो। आई होप दिख रहा होगा इस आपको। अब दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से कट कर देना है। ओके, तो इसी तरीके से 90 डिग्री पे ऊपर की तरफ फॉर्म करते हुए लेके जाएंगे। और ये देखिए ऊपर का गाइडलाइन, नीचे का गाइडलाइन हमारा दिख रहा है। और अभी बीच के हेयर को कट कर देंगे। जैसे ही आपका लेंथ निकलना स्टार्ट हो वैसे ही वहाँ से आपको कट कर देना है हेयर को। तो ये देखिए कितना प्यारा स्टेप आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा इस, और अच्छे से समझ में आ रहा हो। बिल्कुल थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, अच्छे समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं इनका फाइनल लुक आप लोग को दिखा देती हूँ। अभी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कहीं से इधर उधर तो नहीं। देखिए कितना प्यारा स्टेप आया हुआ है। ओके, अब आपको भी हेयर कटिंग सीखनी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और भी लोग सीख पाएँ इसके लिए। तो अभी जो आपको ऊपर नीचे लग रहा है उसको इस तरीके से हल्का यू शेप में कट कर देंगे। ओके, तो लगभग हमारी कंप्लीट हेयर कट कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं अभी आपको इनका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ओके, तो वैसे तो आपको स्टेप दिख ही रहे हैं, ये है इनका फाइनल लुक। अभी और भी फाइनल मतलब पिक्स मैंने डाली हुई हैं आगे, तो आप देख लीजिएगा। तो आपको 3 स्टेप कट करना हो तो अभी क्लचर लगाने पे और भी प्यारा लगेगा। साड़ी पे आप इस तरीके से ओपन भी रखोगे, खुला हेयर भी रखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बट छोटा सा जो क्लचर आता है ना उसको ऊपर एकदम लगा लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा कट दिखेगा आपको। ओके, और बहुत ज़्यादा इनकी लेंथ भी निकली है, वो भी मैं दिखा देती हूँ। तो इनका बैंग्स कट भी करना है, तो चलिए बैंग्स कट स्टार्ट करते हैं। तो बैंग्स कट के लिए आपको ईयर टू ईयर पार्टिंग लेनी है। पहले मैं जैसे कि
ज़्यादा शॉर्ट करने वाली थी, बट इन्होंने बोला कि नहीं लॉन्ग में चाहिए, तो फिर लॉन्ग में कट कर दिया है ना। तो लॉन्ग में कट करने के लिए आपको बीच से मांग निकालनी है, फिर ईयर टू ईयर पार्टिंग करनी है और नोज के सीध में ले जाके, बहुत सारी बैंग्स कट की वीडियो और भी डाली हुई है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो चाहो तो। आई बटन पे क्लिक करके और भी वीडियो जरूर देखें। तो जितनी लॉन्ग इनको लेंथ रखनी है वहाँ से आपको कट कर देना है बैंग्स, और सेम इसी के अकॉर्डिंग दूसरी साइड भी कट करना है। दूसरी साइड भी ईयर टू ईयर पार्टिंग ले लेंगे पहले हम लोग। ओके, इस तरीके से गाइडलाइन लेंगे इस साइड वाले हेयर को, गाइडलाइन लेके और उसके बाद से आपको ऐसे कट कर देना है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए इनका दिखा देते हैं फाइनल लुक आप लोग को, ये कैसे कट हुआ है। ये देखिए बैंग्स कट भी बहुत अच्छा आया है। तो ये है इनका फाइनल लुक, देख सकते हैं कैसा लगा गाइस, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये क्लच करने पे ऐसा दिखेगा, और ये भी क्लच करने पे ही है, ओपन कर रखने पे आपने फ्रंट में देखा वैसा दिखने वाला है। और ये देखिए खुले बाल रखेंगे तो आपका हेयर इस तरीके का दिखेगा। और ये है लेंथ, कम से कम 15 से 16 इंच की लेंथ इनकी कट हो गई है। और ये है जो कि फ्लोर पे गिरे हुए हेयर थे,